तथा नवीनीकरण के प्रावधान के बारे में बताएंगे, इसके लिए क्या प्रावधान है। तो इसको बताने से पहले दोस्तों एक बार बताना चाहूँगी, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ प्लीज नीचे के रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का बटन होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भुगतान एवं तथा नवीनीकरण के लिए क्या प्रावधान है, यानी कि प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स क्या है। मरम्मत एवं नवीनीकरण व्यय लाभ हानि खाते पर प्रतिवर्ष समान प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि इनकी राशि प्रतिवर्ष समान नहीं रहती है। लाभ हानि खाते पर प्रतिवर्ष समान प्रभाव डालने की इच्छा रखने वाले व्यापारी एक विशेष प्रकार के कोष का प्रबंध करते हैं, जिसे मरम्मत एवं नवीनीकरण कोष कहा जाता है दोस्तों। इस कोष की सहायता से मरम्मत एवं नवीनीकरण के व्ययों के परिवर्तन से लाभ हानि खाते में होने वाली असमानता को दूर किया जाता है दोस्तों। संपत्ति के जीवन भर में कुल कितना मरम्मत पर व्यय किया जाएगा, इसका अनुमान लगा लिया जाता है और इस कुल अनुमानित राशि को संपत्ति के जीवन की अवधि से भाग देकर प्रतिवर्ष मरम्मत में ले जाने वाली राशि प्राप्त कर ली जाती है। इस राशि को प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में डेबिट और मरम्मत तथा नवीनीकरण खाते में क्रेडिट किया जाता है, और प्रतिवर्ष जो मरम्मत पर वास्तव में व्यय किया जाता है उससे मरम्मत एवं नवीनीकरण खाते में डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। तो दोस्तों ये प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल कहलाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे रेड के बटन में क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन में क्लिक कर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बाय।